तो यार काफी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अनमोल भाई इस गेम का प्राइस क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है करोल बाग में। तो मैं अभी खुद ही समुराई कॉर्नर पे आ गया और हर गेम्स आपके सामने रखी हुई है कि एक्सबॉक्स की हो, प्ले स्टेशन की हो, निंटेंडो की हो, पीसी की हो, तो सारे प्राइस बताने वाला हूँ जो मेन मेन गेम्स है। बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है भैया का, उनसे फ़ोन करके पूछ ही सकते हो। तो पहले भैया एड्रेस बता दो शॉप का। हाय एवरीवन, शॉप का एड्रेस है शॉप नंबर 146, बेसमेंट शॉप, गफार मार्केट, लेन नंबर 4, करोल बाग। ठीक है, वो बेसमेंट में शॉप है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो सबसे पहले प्ले स्टेशन से शुरू करते हैं और थोड़ी बहुत जो सस्ती गेम्स है वो बताता हूँ, फिर मेन मेन गेम्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको डिस्क दिखाता जाता हूँ, भैया प्राइस बताते जाएंगे। सबसे पहले है भैया कौन सी गेम? ये बाइक रेसिंग की मल्टीप्लेयर गेम है राइड, ये 700 की है। और ये राइज ऑफ टूम रेडर है जो 1000 रुपये की है। फार क्राई 4 है जो 900 की है। एडवांस वॉरफेयर भी 900 की है। अनचार्टेड 4 ये सस्ती है, ये 600 की है। ये अनचार्टेड कलेक्शन 3-in-1 है, ये 900 की है। इनजस्टिस 1 है 1200 की। ब्लैक ऑप्स 3 है 1100 की। बैटमैन आर्कम ये है 1100 की। रेजिडेंट इवल बायोहज़ार्ड 1200। टेकन 6 टेकन 7 1600, ये 850 की है। इनफेमस सेकंड सन। वॉच डॉग्स 2 1200। असैसिन्स क्रीड ओरिजिंस 1300। ये ज़्यादा लग रहा है कुछ डीलक्स। हाँ, डीलक्स एडिशन। ये क्रैश ट्रायलॉजी है 1800 की। गॉड ऑफ वॉर का प्राइस कम हो गया 1350। मॉडल कॉम्बैट 11 2250। फीफा का 3550। फीफा 20 और 19 अगर किसी को चाहिए तो 1300। अरे स्पाइडरमैन का भी प्राइस कम हो गया 1800। इसमें प्रीमियम एडिशन है जो ऑनलाइन खेलते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, ये भी है 1750। और नॉर्मल है इसमें कोई? नॉर्मल अब बंद हो गई, अब यही आ रही है। पे बैक है 1500 की। और एक ये नीड फॉर स्पीड का पहले वाला है 1200 का। अच्छा, जो मतलब मेन मेन टाइटल्स है वो एक्सबॉक्स में सेम ही रेट होंगे ना लगभग? एक्सबॉक्स में सारे टाइटल रेगुलर अवेलेबल नहीं होते, पर उनका प्राइस वेरी करता है। सेम ऑलमोस्ट जो नए टाइटल आते हैं उनका सेम रहता है, पुराने टाइटल का वेरी करता है। मतलब आपको कोई भी एक्सबॉक्स का टाइटल पूछना हो तो फोन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। इसके बाद एक दो गेम्स यहाँ पर पीसी की भी है, जैसे GTA 5 की बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि दिखाओ। तो अभी जो है प्राइजेस काफी बढ़ चुके हैं, मैंने थोड़ी सस्ती में ली थी उस टाइम पे। अभी क्या प्राइस है भैया इसका? अभी इसका जो प्राइस है वो हो गया है 2800। और उस वक्त था 1800-1900। 1800-1900 का था। अभी इंडिया में स्टॉक नहीं है इसलिए बाहर से मंगाना पड़ रहा है। अगर कोई लेगा भी तो वो पीछे देगा, तो प्राइस नहीं है, ये बाहर से मंगाया हुआ है इसीलिए इसका प्राइस महंगा। ये भी डिमांड ज्यादा इसीलिए मंगाना पड़ा। ठीक है, और कौन सी है पीसी में? पीसी का एक ये फीफा है, ये है 3600 की। फीफा 20 36 की। पीएस की कितने की थी? 3550। तो इसके बाद बात करते हैं अपने निंटेंडो की कुछ गेम्स की। काफी सारी गेम्स है भैया के पास, तो मेन मेन जो है वो बता देते हैं। ये 1-2 स्विच है 3400। फीफा भी 3550। मारियो डीसी है 3850। ये न्यू वाली जेल्डा है 4000 की। एस्ट्रल चेन न्यू आई है 4200 की। जेल्डा है 4200 की पुरानी वाली। ये पुरानी वाली है, इसकी डिमांड ज्यादा है। और ये मारियो मेकर 2 है, ये 3900 की। और इसके अलावा भी है मतलब काफी गेम्स तो पूरी है, ऑलमोस्ट सारी गेम्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। और जैसे कि आप देख ही सकते हो पूरा पीछे यहाँ पर कलेक्शन रखा हुआ है। ये तो मैंने कुछ कुछ गेम्स बताई है जो मेन मेन गेम्स हैं। अगर इसके अलावा भी कोई आप PS3 की लेना चाहते हो या PS4 या एक्सबॉक्स के, निंटेंडो की, सारा कलेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है। और सेकेंड हैंड गेम्स भी मिल जाती है थोड़ी बहुत। सेकेंड हैंड आजकल नए टाइटल आ नहीं रहे तो सेकेंड हैंड की वैरायटी थोड़ी बढ़ नहीं रही है। जो आती है वो रेगुलर कोई ना कोई ले जाता है, मतलब मिल जाती है वैसे। हाँ, कोई आए तो रेगुलर कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होता ही है। तो मतलब फोन कर लेना अगर सेकंड हैंड लेने आ रहे हो पहले, तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सेकंड हैंड आने से पहले आप कॉल करके कंफर्म करके आओ कि कौन कौन से अवेलेबल है, या व्हाट्सएप पे हम आपको इमेज भेज देंगे जो कौन सी अवेलेबल है सेकंड हैंड में, उसमें से आप देख सकते हो। और ये जो वीडियो है हम 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भैया आने वाली गेम्स का बता दो, जो प्री ऑर्डर वगैरह कौन कौन सी गेम्स आ रही है आने में। अभी सबसे पहले तो लेटेस्ट जो है वो 22 अक्टूबर को है, WWE 2K20, उसका प्री ऑर्डर चल रहा है। और साथ में पोस्टर भी फ्री, अगर कोई अभी प्री ऑर्डर करता है तो पोस्टर फ्री मिल जाएगा आपको। क्या प्राइस है उसका? उसका जो प्राइस आएगा 3150-3200 के करीब पड़ेगी आपको, और वो भी अवेलेबल होगी 22 अक्टूबर को। उसके बाद जो आनी है वो मॉडर्न वॉरफेयर आनी है कॉल ऑफ ड्यूटी की, उसका प्राइस जो है वो 4000 के अराउंड रहेगा, और वो भी आपको मिल जाएगी ऑन डेट। उसके बाद आएगी डेड स्ट्रैंडिंग। डेड स्ट्रैंडिंग का जो प्राइस होएगा वो प्री ऑर्डर पे अभी जो है 3500-3600 चल रहा है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये तो थे सारे प्राइसेस गेम्स वगैरह के, बाकी नंबर तो दे ही रखे हैं, आप कॉल करके पूछ लो। सारे तो कवर हम नहीं कर सकते थे टाइटल्स, बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस दोनों हैं। बेसमेंट में शॉप है करोल बाग में, गफार मार्केट। तो आ जाओ फटाफट से। और इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय बाय।